बोर्ड पे कौन, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, हिंदुस्तान टिकट करवाओ मेरा यार, टिकट करवाओ यार, क्या जाना चाहिए इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो भाई वो जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है भाई। तो गुड न्यूज ये है कि 1 बजे का स्टार्ट हुआ, 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, आधी सीरीज निकल चुकी है। तो खैर कहने का मतलब ये भाई अब जा रहे हैं, मतलब घर पे आज दावत भी है और मैच भी वही देखेंगे। मुझे लग रहा है बहुत नाजुक सूरत हाल है, बहुत नाजुक सूरत हाल है, जाने पता चलेगा क्या, बताया भी नहीं जा रहा है कि क्या, जाते हैं और बताते हैं। ये देखिए हमारे साथ कौन मौजूद है यार, सुनने में आ रहा है चाचा ने 3 छक्के मार दिए, चाचा ने नहीं करो यार, सुनने में आई है भाई रिपोर्ट। चलो भाई चलो 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 भाई अहमद भाई के पास लो, वहीं जाके देखेंगे भाई। सना भाई 10 पराठे लगवा दो, 6 आमलेट है, 2 हाफ फ्राई है और 6 बंदों की चाय, 5 मिनट में हो जाएगा, बस देख लो जल्दी से करवा दो, बहुत भूखे हो रहे हैं। वाह 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 वाह, हमारा पराठा बना रहा है, ये पराठे बन रहा है भाई, वाह भाई वाह वाह। गाने तो बहुत आते मेरे को, एक सुनाओ गलती। हाँ हाँ बहुत, इंडियन आइडल में तुम्हें भेजेंगे, गाओ। अब सुनो, दोस्तों कोई आप जबान नहीं है, कोई जाने जाना नहीं है, फिर भी नजर उधर जाए इसकी तलाश है, वो साथी वही मंजिल है, आ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना, तेरा सनम तेरी ख्वाब की निगाहों का धोखा, सनम तू नहीं मुझको है रोका, ये मेरी बेखुदी ये कसम मैं जबी, एक दिन प्यार से तुझे पाना, आ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त भाई जबरदस्त, लगी में आना सनम, वाह 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 भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम अहमद खान, अबे अस्सलाम वालेकुम अहमद खान, ब्लॉग शुरू करते भाई, ब्लॉग चाचा छक्के पे, अब ये तो हटा, अबे चाचा छक्के पे छक्के मारे जा रहे, नहीं करो नहीं करो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, बस चाचा इफ्तार धो रहे हैं दबा के, नहीं करो बे, 6 छक्के फाइनली पहुंच चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बैटिंग कर ली है। कित अहमद भाई, हां फाड़ के रख देंगे, कितने आउट हो गए, कितने रन हो गए, ये मेरे ख्याल 2 आउट हो गए और अभी चाचा खेल रहे हैं। अच्छा अभी आप ये देखें, इफ्तिखार चाचा ने एक बैक टू बैक 3 छक्के दिए, अंडरएस्टिमेट करते हो तुम लोग यार, नली नाश्ते का इंतजाम हो गया, हमने बोला जरा वहाँ पे भी ब्रेक हुआ है ये देखें, और यहाँ पे भी ब्रेक ले लिया हमने, ये नाश्ता लग चुका है, अंडा पराठा आमलेट हाफ फ्राई सब है भाई, चाय वाय सब है, जो जो आपने बोला था सब चीज आ गई है, सब चीज आ गई, अंडा भी आ गया, पराठा भी आ गया और मलाई भी पकड़ लेते हैं यार, मलाई आपने बोला नहीं, वरना मैं आपके लिए मलाई भी लेके आता, कहीं से भी लाता, लेकिन लेके जरूर आता, लेकिन मैच बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, मैच बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, ऐसा लग रहा है अगर पाकिस्तान अगर 150 रन करेगा ना, हाँ हाँ तो फंसा देगा, फंसा देगा, और अगर नहीं फंसाया, नहीं फंसाया फिर अगला मैच देखेंगे, नहीं नहीं फिर हम उसमें चले जाते ना, बारिश हो जाए और डिक्लेयर हो जाए तो ये हो जाए, तो बारिश नहीं होगी, नहीं होगी, चटियल धूप निकली, चटियल धूप निकल गई है भाई, चटियल धूप निकल गई है, माशाल्लाह ये 2 बंदे ने हमारे रेडी भी कर दिया, आपने भी रेडी कर दिया रफी भाई, वाह भाई वाह, शाहिन आफरीदी जी का छक्का देखें आप, वाह बिल्कुल, आफरीदी तो आफरीदी है, चाहे शाहिन हो या शाहिद हो, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आफरीदी तो आफरीदी है, वेरी गुड, छक्का मार दिया हुए, हारिस राव जब आया था तो हमने बोला था कि हारिस राव जो है 2 बॉल तो पहले समझने में लगाता है कि क्या होगा, लेकिन आते छक्का मार दिया भाई, बहुत टफ सीन हो चुका है, पाकिस्तान ने टारगेट दे दिया 160 रन का इंडिया को, देखना ये कि होने क्या वाला है, बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है, 160 आसान बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पिच पे बनाना 160 रन 120 बॉलों पे, अहमद खान क्या कहना चाहेंगे यार, बहुत मुश्किल है क्योंकि पिच ना वो हो रही है, पिच हो रही है, मतलब इधर उधर जा रही है बॉल, बॉल टिक नहीं रही, और हमारे पास अच्छी बात ये है कि पेसर है, पेसर है, शुरू के जो पहला पावर प्ले है जी जी उसमें 4 आउट हो रहे हैं, हो रहे अहमद खान क्या हुई अचानक, ये कहाँ देख रहे हो तुम बैठ के छोटी सी एलईडी पे, ऊपर बड़ी थी ये देख रहे हो ऊपर कैमरा पे, हाँ ये देख ली, हमने 65 इंच एलईडी खरीदी थी कि हम पाकिस्तान इंडिया का मैच देखेंगे, सही है, ये अचानक लाइट चलेगा, ये शर्म आनी चाहिए इनको, ये अचानक 65 इंच से 1 सेंटीमीटर पे आ गया और चाय भी यही रख ली, चाय भी यही रख ली, बिल्कुल करीब होके देख रहे हो, बिल्कुल करीब होके देख रहे हो, और यहाँ अभी आप देखें इंशाल्लाह भाई मैच निकालेंगे, मैच निकाल देंगे, हाँ भाई मैच तो मैच है, चाहे 65 पे आए या फिर 1 सेंटीमीटर पे, ये 33 से इस पे देख रहे हैं मैच तो भाई इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हो चुकी है, और पहला जो है ओवर करवा रहे हैं शाहिन आफरीदी, अब ये भी रुक गया, ये भी रुक गया, अब तो एक ही हल है, क्या हल है, रेडियो निकालो मैच नहीं देख पा रहे हैं, क्या हो क्या रहा है ये भाई, चौका मार रहा है इस बॉल पे, नहीं कर रहे वहाँ करे,
और मतलब अरे चाचा चौधरी निकले दस रन पे दो आउट हो गए ये विकेट आ गई 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 ये देखो भाई एक और विकेट गई बहुत अच्छे What a catch. ग्राउंड के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कितना बड़ा ग्राउंड है ग्राउंड बहुत बड़ा है आप नोट करें ना फील्डर यूं भाग रहा ना बोला पागल के बच्चों का हमेशा फील्डर गेंद के फील्डर चार है कि चार हो जाए भागी जा रहा है और बोले दो फील्डर भागो नहीं थ्रो दे मतलब थ्रो भी नहीं पहुंच रही आप ये कह रहे हो थ्रो भी नहीं पहुंच रही पांच टिप्पो में थ्रो आ जाए एम्पायर कौन है एम्पायर कौन है बताइए एम्पायर कौन है विठल कानिया अबे भाई एक और आउट क्या अहमद खान ये कैसा डिसीजन लिया यार रन आउट का क्या मुश्किल डिसीजन बहुत मुश्किल डिसीजन था मैं तो निकल जाता मैं छोड़ अंपायर चार आउट हो गए भाई आप बोल रहे थे पावर प्ले में चार आउट हो गए चार हो गए और लेट हुआ है बस एक बॉल लेट हुआ है चार हो गए यकीनी पाकिस्तान मैच जीत गया जो प्रेडिक्शन है विराट खेलता रहे ठीक है ये हार्दिक पांड्या निकल ले बस पता है ये एक मैच में ना उड़ा देता है ये छक्के छक्के उड़ा देता है माशाल्लाह आप ये मैं देख रहा हूँ आप जब से मैं जब से कह रहे हैं कि विराट को आउट नहीं करो बाकी उसके बाद सबको करते रहो हाँ। तो इसके पीछे क्या राज है देखिए विराट मैच कैसे बचाएगा वो तो अभी अपने आप को बचा रहा बेचारा अपनी टीम में जगह बचा रहा है तो वो पता क्या करेगा वो 40 पे 40 बना जाएगा जबकि चाहिए है 40 पे 70 वाह वाह तो परंतु लेकिन मैच की सूरत कहाँ देख रहे हैं आप क्या क्या घटनावा हो सकती है क्या हो सकता है देखें पाकिस्तान जीत सकता है क्योंकि टीम काफी भाग्यशाली है बिल्कुल ऐसा ही है भाग्यशाली सारी चीजें तो चलती रहेंगी मकान खाने पीने के इंतजाम क्या है भाई नाश्ता करा के आप बैठा दिए हो कुछ खिला ही नहीं रहे हो साला खाने पीने का यह है कि मैंने आपके लिए ऑर्डर किए हैं जी ब्राउन्स बेक बाय निदा खुर्रम से क्या ऑर्डर किया मैंने क्या ऑर्डर किया बताएं मैंने चीजी कौन आपके लिए ऑर्डर मैंने खलीफा की नान कताई आपके लिए ऑर्डर किया मैंने कुछ सैंडविचेस आपके लिए ऑर्डर किए तो ये सारी चीजें बस अभी आ रही हैं आपको खिलाते हैं ओके वाह वाह मजा आ गया मजा अगर कोहली रुक गया ना तो उसको पता है कि ग्राउंड में किस तरह शॉट लेने अच्छा ना वो तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि विराट को आउट कर दें फाइनली भाई ये सारी इंग्लिश चीजें आ चुकी है ब्राउनीज सैंडविचेस केक्स अहमद भाई ये सब कहां से मंगवाया आपने ये ब्राउनीज बेक बाय निदा खुर्रम से मंगवाए हैं हमने ये इनके बड़े फ्रेश और बड़े घरेलू आइटम होते हैं ऐसा लगता है घर में बना है और कहने का मतलब ये अगर मुझे ऑर्डर करना हो तो कहाँ ऑर्डर करूँ मैं आपको ऑर्डर करने तो ये नंबर नीचे चल रहा है ये देखें लगा दिया आपने डेट लगा दिया ये नंबर चल रहा है यहाँ से आपने ऑर्डर करना है बट डन है तो जितने भी लोग देख रहे हैं भाई ये ऑर्डर कर सकते हैं फ्रेश चीजें सारी फाइनली इंडिया को चाहिए 18 बॉलों पे 49 रन क्या लग रहा है आपको क्या होने वाला है अभी ये जो भांडिया है ना ये खतरनाक लग रहा है अभी मुझे वाला भांडिया लग रहा है कौन सा ये भांडिया आई छो जो ही छो जो भी लाना आप क्या बोलना चाहोगे कौन जीत रहा है स्लाइड चाहिए रन दे दी यार मतलब क्या कहना चाहोगे यार इस बारे में यार ये बहुत रन दे दिया भाई अभी हारिस रॉफ का ओवर है लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए यार मतलब 20 रन यार दिमाग खराब हो रहा मेरा यार शाहिद आफरीदी को मतलब ये क्या करके आए मतलब वार्म अप आए दोबारा वापस आए ये तबीयत इनकी खराब है तो क्यों खेला लग रहा मुझे फिट नहीं है यार मतलब ये फिट नहीं लग रहा मुझे मतलब 20 रन यार आपका लास्ट ओवर आप 20 रन दे रहे हो हारिस रऊफ मेरी जान है हारिस रऊफ मेरी जान है ये मेरा नुसरत फतेह अली खान इससे कोई भिड़े मत हम एक है 9 पे 29 कैच अबे छक्का मार दिया भाई लंदन वाला नवाज तोड़िए ये हमारा नवाज है हमारा नवाज है पाकिस्तान के लिए नहीं है वो भी अंपायर से बहस कर रहे हैं नहीं होगी यार नहीं है रन यार ये भाई हाफ फ्राई जीत रहे क्या ये बात तो बन गया नो बॉल दे दी फ्री हिट दे दी अब ये विकेट बोर्ड पे कौन मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ टिकट करवाओ मेरा यार टिकट करवाओ भाई मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा मैं बता रहा हूँ अगर ये बीमारी हुई तो जितने भी देख रहे हैं हमारे मोहब्बत करने वाले प्यार करने वाले लेकिन ये पाकिस्तान का मैच था ये आपने जबरदस्ती अपने हाथ में लिया है ऐसा नहीं भाई अगर आप क्रिकेट देखते हैं या खेलते हैं तो आप खुद बताइएगा कि ये क्या हुआ है
ठीक है, इस बात पे भाई मैं डिसाइड नहीं करूंगा। चाहते थे क्या बोलना चाहोगे? चाहते थे मैं ये बोलना चाहूंगा दिल बर्दाश्त ना हो, अभी पूरा वर्ल्ड कप पड़ा हुआ। नहीं देखिए वर्ल्ड कप क्या पड़ा था, मुझे वर्ल्ड कप के बारे में बात ही नहीं करनी अभी। हमारा वर्ल्ड कप यही था आज का मैच। बिल्कुल ऐसा ही, हमारा तो वर्ल्ड कप आज का था। और ये मतलब यार इतनी नॉनसेंस यार क्रिकेट यार। मसला पता है क्या, देखिए ग्रुप में दोनों टीम है यही मुश्किल है, बाकी सारी कमजोर है। ठीक है दोबारा आ रहे ना सामने, बंद कर दो यार कैमरा, बंद करो यार, नहीं बनानी वीडियो यार, बंद करो बस कर भाई।